गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा चैप्टर चल रहा है हमारा सेकेंड फेडरलिज्म। ओपन योर बुक पेज नंबर 15। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म बीइंग प्रैक्टिस्ड, किस तरह से प्रैक्टिस में इसको लिया जाता है, ठीक है, कितना लेवल गवर्नमेंट का आप ले सकते हैं, ऑल दीज फैक्टर। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। सो बेटा पेज नंबर 15 पे आओ, जो राइट साइड में सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो अभी तक हमने किया था की फीचर्स तक। सो वी हैड डिस्कस अबाउट 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब आते हैं आगे, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। अब जैसे हमने कल क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, डिसाइडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है, कुछ लिखित नहीं है, किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग ऑर्डर दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग ऑर्डर दे दिया, नहीं, डिसाइडेड है किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे रूल पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किस टॉपिक पे पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सब डिसाइडेड है, एक बैलेंस है, ठीक है। सो दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। अब ये जो बैलेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, जो वहाँ उस कंट्री का हिस्टोरिकल एक्सटेंट होगा उस पे बेस्ड रहेगा, यानी वहाँ के पहले हालात कैसे रहेंगे, किन हालातों में वहाँ पे फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। मान लो जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब वहाँ पे फेडरलिज्म के लिए डिस्कशन चल रहा था, अब जो उस टाइम पे लीडर्स की टेंडेंसी रही होगी, जो उनके विचार रहे होंगे, वैसा ही उन्होंने लगाया होगा। मान लो ज़्यादातर लीडर्स को लगता हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होने चाहिए, तो सेंट्रल को ज़्यादा दी होगी। जिनको लगा हो स्टेट को ज़्यादा नहीं, स्टेट को ज़्यादा दी होगी, ठीक है। देर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। उसके बाद एक तरीका होता है कि उस कंट्री का हिस्टोरिकली कैसा सिस्टम था। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज चलता था, और जो इंडिया था वो दो तरीके से गवर्न होता था। एक तो था डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल एरिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, उन्हीं के ही जो गवर्नर्स होते थे वो गवर्न करते थे, और कुछ थी रियासतें, उन रियासतों में राजा महाराजा नवाब होते थे और वो नवाब भी रूल करते थे। तो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमने क्या किया, पहले पूरा इंडिया एक कर लिया, ठीक है, फिर उनको स्टेट्स में डिवाइड किया। बाद में भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बने हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी काफ़ी है। इसी तरह बेल्जियम में आपने देखा था कि वहाँ पर डच और फ्रेंच वाला सीन था, ठीक है, वहाँ डिस्प्यूट था, तो धीरे धीरे उन्होंने उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया, फेडरल सिस्टम बनाया। तो कई जगह पे तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सांझी मिलजुल के बनाते हैं, कई जगह पे क्या होती है, इम्पोज की गई होती है, यानी कि खुद एक ऊपर जो सरकार है उसने बांटा होता है, ठीक है। चलो आगे, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो एक फेडरलिज्म में कौन सा रूट होता है, कौन सा तरीका होता है, व्हेन द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि आज़ाद इलाके खुद मिल के एक क्या बनाते हैं, एक कंट्री फॉर्म करते हैं, जैसे कि यूएसए। अब यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये एक अकेला एक देश है, बट इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, स्टेट्स हैं, जैसे ये फ्लोरिडा है, ये नवादा है, ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, इस तरह से वहाँ पे क्या हैं, स्टेट्स हैं। अब ये पहले सारे के सारे एक देश के रूप में नहीं थे, सब अलग अलग इलाके थे, कहीं पे ब्रिटिश का कब्जा था, कहीं कुछ था, इस तरह से, ठीक है।
पर जब उन्होंने इंडिपेंडेंसी ली तो वो सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने मिल के अपने आप को एक कंट्री के रूप में फॉर्म कर लिया और उनके क्या हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई उन्होंने पूरे इलाके के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती हैं और पूरे अमेरिका के लिए अलग होती है, इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज द फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन यहाँ पे यानी कि जो कमिंग टुगेदर होते हैं वहाँ पे स्टेट्स अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली उन्होंने एक फॉर्म बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन देयर स्टेट्स और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। सेकेंड मेथड क्या होता है कि जब एक कंट्री अपनी पावर एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और नीचे जो स्टेट्स हैं उन गवर्नमेंट्स में खुद डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, लाइक इंडिया, स्पेन, ठीक है। सो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर। देखो, एक हमने क्या लिया, कमिंग टुगेदर, और एक क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो इंडिया कौन सा एग्जांपल है, इंडिया एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक इंडिया की सेंट्रल पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा जिसके दो पार्ट हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है वो डिवाइडेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रहेगी और जो नीचे स्टेट होंगे उन स्टेट की भी अपनी पावर होंगी, ठीक है। हाँ, ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर कुछ हिस्सों में या कुछ पार्ट्स में या कुछ टॉपिक्स पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम आती है। सो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तीन नंबर में ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएट कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो आपको ये ऐसे बॉक्स बना के लिखना है, एक तरफ कमिंग टुगेदर के बारे में, एक तरफ होल्डिंग टुगेदर के बारे में। तो एक तो ये दोनों का पॉइंट, हाउ इट फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, एक में तो इंडिपेंडेंट स्टेट खुद आते हैं, एक में पावर डिवाइड होते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल और गवर्नमेंट के बारे में लिखना है आपको। तो तीन नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट, यानी कि जो होल्डिंग टुगेदर है यहाँ पे जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। कई बार क्या होता है कि फेडरलिज्म में यानी कि जहाँ पे पावर को डिवाइड तो किया है बट कुछ यूनिट में ज़्यादा पावर होती है, कुछ यूनिट के पास पावर कम होती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर एंड टाइप, जैसे कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे आओ, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब आधी बातें बेटा पहले ही हो चुकी हैं, आपको खुद भी समझ आ गया होगा। आप इंडिया में वो क्या बोलते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब अराउंड द वर्ल्ड लगभग अप्रोक्सीमेट 25 कंट्रीज हैं जिन्होंने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, ठीक है। जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फेडरलिज्म का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, फेडरलिज्म का ज़रूरत ही कहाँ पे है, जहाँ पे कंट्री जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कैसे कह सकते हो आप,
हाउ कैन यू से? अब जैसे मैंने आपको, हमने 7 फीचर्स पढ़े, 7 फीचर में क्या था कि पावर जो गवर्नमेंट होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे होगा। तो मैंने आपको बताया इंडिया में तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, ठीक है, तो एक फीचर पूरा हो गया। उसके बाद जो पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड होगी, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबके पावर जो है वो डिवाइडेड हैं, ये फीचर भी इंडिया पूरा कर रहा है। फिर होता है कि एक जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसके पास पावर होता है कि वो गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को कवर करें, एंड अगर कोई रूल बियॉन्ड द लॉ है तो उसको रोक सके, ख़त्म कर सके। इंडिया में ये पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये कंडीशन भी पूरा हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ जो फेडरलिज्म की कंडीशंस है वो इंडिया में पूरी होती हैं, दैट्स वाई वी कैन से इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। यही बातें आपको पॉइंट बना के लिखनी है बस। तो पेज नंबर 16 पे आ जाओ। सो वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब जैसे हमने देखा, अब एक कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक ही रिलीजन के हों, ठीक है। छोटी कंट्री में ऐसा पॉसिबल है, बड़ी कंट्री में पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं, एक से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब अगर उनमें तालमेल ना हो तो वहाँ पे डिस्प्यूट होंगे ही होंगे, दंगे हो जाएंगे, फिर बाद में जो कंट्री को डिसयूनिटी की तरफ लेके जाएगा, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बेटर सिचुएशन नहीं है। तो बेल्जियम और श्रीलंका में यही हुआ, ठीक है। बट बेल्जियम लीडर और श्रीलंकन लीडर्स ने अलग अलग मेथड यूज़ किए, तो दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आया। श्रीलंका वालों ने नेगेटिव यूज़ किया तो नेगेटिव रिजल्ट मिला, बेल्जियम वालों ने पॉजिटिव लिया तो अच्छा रिजल्ट मिला। सो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मैनी लैंग्वेज रिलीजन एंड रीजन? अब इंडिया के बारे में आपको क्या लगता है, इतने लोग, इतनी भाषाएँ, इतने धर्म, इतने इलाके, वट आर द पावर शेयरिंग मैंने अरेंजमेंट इन आवर कंट्री? इंडिया में किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है? सो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। अब जैसे आपको पता है 15th अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए, और उसी टाइम इंडिया 2 कंट्री में डिवाइडेड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक नया कंट्री फॉर्म हो गया पाकिस्तान। तो इंडिया ने अपने आप को क्या कंट्री बनाया, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फेडरल कंट्री, ठीक है। यानी कि इस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यानी किसी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, यानी शासन जो होगा वो जनता का होगा, ठीक है। फेडरल कंट्री यानी पावर जो होंगी वो किसी एक लेवल पे नहीं होगी, बल्कि नीचे तक जाएंगी लोगों तक। तो इस तरह का मेथड हमने अपनाया, और वो सारे जो पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा उनको मेंशन किया गया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम अ पार्ट ऑफ कंट्री। अब इंडिपेंडेंट के बाद मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे एक तो ब्रिटिश एरिया होते थे, इंडिया के कुछ ज़्यादातर हिस्से तो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, बट बहुत बड़ा एरिया इंडिया का वो क्या था, वो प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों में था, ठीक है। जैसे अगर हम अपने आसपास भी देखें ना, जींद भी एक रियासत थी, महेंद्रगढ़ भी एक रियासत थी, ठीक है। इसी तरह भिवानी के इलाकों में लोहारू अलग रियासत थी, यमुनानगर में छछरौली, पटियाला, मानसा, ये रियासतें थी, यहाँ के अलग अलग राजा थे, अलग अलग महाराजा होते थे यहाँ पे, तो उनके अपने अपने रूल थे। बट अब वो क्या हो गए, वो अब इंडिया में मर्ज हो गए। तो अब पूरे इंडिया के लिए कॉमन कानून बनाने थे, ऐसा नहीं भी पटियाला क्या एरिया के लिए अलग, मानसा के एरिया के लिए अलग, जींद के लिए अलग, ऐसा नहीं, अब सब के लिए अलग, ठीक है। बट इस तरह के कानून बनाने थे कि वो पंजाबियों को भी पसंद आए, वो हरियाणवियों को भी आए, वो बिहार वालों को भी आए, ठीक है, साउथ वालों को भी आए। तो यानी जो डाइवर्सिटी थी उसका ध्यान रखना ज़रूरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अनाउंस करता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कि भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है,
क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत तो ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पावर बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स थे वो, ठीक है। Although it didn't use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. हालांकि constitution में तो कोई ऐसा federation word का use नहीं हुआ, but India क्या एक federal country है, क्योंकि हम federalism के जो norms हैं, जो उसके principle हैं, उनको जो हमारे system है वो उस पर based ही हैं। Let us go back to 7 feature of federalism mentioned above. अब जो 7 feature हैं उन पे जाओ. We can see that all these feature apply to provision of Indian constitution. आप पाओगे जो वहाँ पे हमने constitution में इंडिया के वो सब features के regarding आपको कोई ना कोई झलक मिल जाएगी, ठीक है। The constitution originally provided for a two-tier system of government, the union government or what we call central government, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो government है, जैसे एक है central government, ठीक है, और एक है state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो पूरी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करती है और नई दिल्ली में पार्लियामेंट उसकी बनती है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि क्या कर रही है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड स्टेट गवर्नमेंट, इवन स्टेट भी इसके अंदर आएंगे। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही ये बात जो है वो एक डायग्राम से आपको यहाँ दिखाई थी कि हमने 1992 में एक थर्ड ऑर्गन भी गवर्नमेंट में ऐड किया, वो क्या था, लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट का यानी शहर वाला सिस्टम की गवर्नमेंट अलग, गांव वाले सिस्टम की गवर्नमेंट अलग। गांव वाले सिस्टम में भी तीन पंचायती राज सिस्टम, जिसमें कि एक गांव की पंचायत अलग, फिर कई गांवों के जो ब्लॉक होते हैं, जैसे टोहाना है, टोहाना एक ब्लॉक है, टोहाना ब्लॉक में लगभग 85 विलेज आते हैं, ठीक है। तो उन 85 विलेजेस की पंचायतें अलग हैं, फिर टोहाना की एक ब्लॉक समिति है जिसमें सारे जो टोहाना के गांव हैं उनके रिगार्डिंग फैसले लिए जाते हैं, फिर टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, तो फतेहाबाद की एक जिला परिषद भी है जिसमें फतेहाबाद ज़िले के जितने गाँव हैं उन सब के रिगार्डिंग फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। और जो शहर हैं, शहरों का सिस्टम अलग। शहरों में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो छोटी एरिया हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी होती हैं, और 3 लाख तक की पॉपुलेशन वालों में म्यूनिसिपल काउंसिल होती हैं, और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये 1992 में ऐड हुई, ओरिजिनली सिर्फ 2 लेवल का गवर्नमेंट था। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एन्जॉय सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शन। The constitution clearly provide a threefold distribution of legislative powers between the union government and state government, thus contains three lists. तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसके लिए हमने क्या किया, उनके ज्यूरिसडिक्शन को क्लियर किया है, भाई इतना एरिए के रूल ये बनाएंगे। अब उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई हैं, ठीक है, 3 लिस्ट। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं संघ सूची, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य सूची, इसको हिंदी में कहते हैं संवर्ती सूची, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक मेंशन्ड हैं उन पे कानून कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक मेंशन्ड हैं उन पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इन टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है।
कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक है समवर्ती सूची, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। बट अगर किसी टॉपिक पे दोनों ने ही कानून बना रखा है तो ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो जो मामले पूरे इंडिया के लिए हैं, ठीक है, उन पे कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि डिफेंस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना भाई, अगर सब स्टेट अपनी अपनी आर्मी रखने लगें तो क्या होगा, सब स्टेट की अलग अलग आर्मी होएगी, ठीक है। इसी तरह करेंसी, करेंसी भी क्या है, नेशनल इशू है, ठीक है, यानी पूरे इंडिया का करेंसी एक ही है। अगर मान लो करेंसी की पावर भी स्टेट को दे दें तो आप सोच के देखो, हर स्टेट अपनी अलग करेंसी निकाल देगा, सबकी अलग अलग करेंसी चल रही होंगी, ठीक है। तो यानी कि जो मामले नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। और हमने ये यूनियन लिस्ट में क्यों रखे हैं, ताकि पूरी कंट्री में एक जैसा सिस्टम रहे, यूनिटी बनी रहे, सिस्टम अच्छा चलता रहे। आप सोचो अगर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सबकी करेंसी अलग अलग हो तो कैसे एक दूसरे स्टेट में हम इजीली ट्रेड करें फिर, ठीक है, उनके अपने एक्सचेंज रेट हो जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी बहुत। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैंशन इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक मैंशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली हमने रूल बना सकती है। सेकेंड आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक मैंशन है उस पर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एग्जाम्पल क्या है, पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। जो यहाँ पे मेंशन है उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे कानून है, जैसे मान लो एजुकेशन है, एजुकेशन पूरे कंट्री के रिगार्डिंग भी पॉलिसी देखनी पड़ती है और स्टेट वाइज भी देखनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मान लो एजुकेशन यूनियन लिस्ट में होता, यानी राज्य सरकारें एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई फैसला नहीं ले सकती, ठीक है, तो क्या होगा। अब जैसे आप अगर देखो हरियाणा में जब बच्चे पढ़ेंगे 10th में, प्लस वन टू में, तो वहाँ पर लैंग्वेज क्या आएंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश। अगर आप पंजाब में पढ़ते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पंजाबी एंड इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह साउथ इंडिया में जाओगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, तमिल एंड इंग्लिश, क्लियर। तो वो किस वजह से है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, हर राज्य को अधिकार है, वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, और वो कैसे करेगा, थ्रू एजुकेशन। इसीलिए एजुकेशन पे जो एक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है। सो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैरिजेज के रिगार्डिंग हैं, उसके रिगार्डिंग कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सो बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट मैंशन इन दिस लिस्ट। तो इसमें जो टॉपिक मेंशन है उस पर दोनों सरकारें ही बना सकती हैं। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई लॉ ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून की वैल्यू जो है वो रहेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा क्लियर किया है कि कौन सा लेवल गवर्नमेंट का कौन कौन सी पावर को एक्सरसाइज करेगा, वो एक दूसरे के फील्ड में दखलंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली चलेगा। अब नेक्स्ट पैरा पे आओ, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज थ्री लिस्ट। अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आते, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उसके लिए एक हो गया, उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए कोई एक दो बात ऐसी रह गई हो जो माइंड में ही नहीं आई, सामने ही नहीं आई, तो उसके रिगार्डिंग कानून भी नहीं बना, और ये भी डिसाइड नहीं हुआ भाई उस पर पावर स्टेट की ज़्यादा रहेगी या सेंटर की रहेगी। या आजकल नई फॉर्म आ रही हैं जैसे साइबर क्राइम है, ठीक है, ऑनलाइन हैकर्स हैं जो लोगों के खातों से पैसा चुरा लेते हैं या फ़ोन करके उनको हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1947 में जब कानून बन रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 50 में जब तैयार हुआ, उस टाइम पे ये तो इनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो ये चीज़ें तो बाद में आई हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसी जो चीज़ें रहती हैं इनको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो बात रह गई जो किसी लिस्ट में नहीं आई या जो नहीं आ रही है उस पे ज़्यादा पावर किस, वो पावर किसके पास जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा है। सो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस थ्री लिस्ट, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो इन सब पे जो ये बाद के टॉपिक्स हैं या जो किसी लिस्ट में नहीं आते उन पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। तो आज हम करते हैं यहाँ तक। तो बेटा ये दोनों अभी तक जो हमने किए हैं इन वीडियोस को अच्छे से देख के अच्छे समझो, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। CBSE बोर्ड की भी हो चाहे बच्चा HBSE का हो, ये चैप्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और CBSE वालों के लिए तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, फेडरलिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली इसका की फीचर, ठीक है, एंड जो पहले मैंने आपको बताया था, और हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। तो बेटा ये आप कंप्लीट करो, थैंक यू।